गौतम श्री मोहन गुप्ता आवंटित जनपद उन्नाव सुश्री नेहा कपूर लखनऊ सुश्री श्वेता सोनकर आजमगढ़ उनके भावुकों को हृदय से बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश में एक तरफ 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, दूसरी ओर सैकड़ों युवा प्रदर्शन कर रहे थे कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद 5 साल बाद भी 1,477 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही। प्रदर्शनकारियों के उन सवालों से बेखबर सरकार इधर लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट रही थी और प्रदेश के नौजवानों के साथ इंसाफ का दावा करते हुए मुख्यमंत्री विपक्षी दल पर सियासी हमले भी किए जा रहे थे। 2017 के पहले क्या होता था, ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे, क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी, आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई। और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया, ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। सीएम योगी का आरोप था कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में सरकारी भर्तियों के दौरान भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हुआ करते थे, लेकिन 7,000 से ज्यादा लेखपालों की भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो गई। एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूँ एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि साथ हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या वजह है कि सैफई मेडिकल कॉलेज उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई? न केवल सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते, ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित तो पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यूपी की मौजूदा सरकार ऐसी कई भर्तियां भी कर रही है जिनमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने की कोशिश हो रही है, जबकि खबर है कि यूपी सरकार अब आउटसोर्सिंग की नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की दिशा में पहल कर चुकी है। और सीएम योगी ये भी दावा करते हैं कि अब तक यूपी में 6,00,000 सरकारी नौकरियां दे चुकी सरकार आगे जल्द ही और भर्तियां निकालेगी। इसमें से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही 16,900 से अधिक पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं। इसमें शिक्षकों की 6,000 भर्तियों के अलावा सरकारी कॉलेजों में सहायक आचार्य के 350 पद और प्रादेशिक सेवा सर्विस में 200 पदों के अलावा अन्य विभागों में करीब 10,000 पदों पर दिसंबर तक भर्तियां निकलने वाली हैं। 6,00,000 से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की, 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल सिर्फ सियासी ही नहीं कानूनी भी उठे हैं, क्योंकि यूपी में पिछले 7 साल में हुई 8 भर्ती परीक्षाओं में तो पेपर लीक के भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे हैं।
इसके अलावा सरकारी पदों पर भर्तियों में होने वाली लेट लतीफी को लेकर भी यूपी के युवा आवाज उठाते रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों में एक जूनियर इंजीनियर पद पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार हैं, जो करीब 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। पूरे आप चित्र को देखेंगे तो इनका एवरेज है 5-5.5 साल एक भर्ती का। तो अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक विज्ञापन निकालता है तो क्या अभ्यर्थी मान ले कि उनका एवरेज 5-5.5 साल होगा। दरअसल 2018 में जूनियर इंजीनियर के 1477 पदों पर निकली भर्ती के लिए 4 साल बाद 2022 परीक्षा हुई। दस्तावेजों का सत्यापन 2023 में हुआ, लेकिन अब तक आखिरी परिणाम घोषित नहीं किए जा सके हैं। हालांकि यूपी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पर्चा लीक से लेकर लेट लतीफी तक के जो भी आरोप लगे, लेकिन किसी भी भर्ती में भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।